नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जैविक वाटिका में। और आज का ये वीडियो बहुत ही खास वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही पौष्टिक न्यूट्रिशन से भरी हुई फ्रूट्स के बारे में आपको बताएंगे, और सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। कैसे लगाना है, कैसे कैसे मिट्टी बनानी है, क्या क्या केयर करनी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो, और आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी की। जी हाँ, मीठी मीठी और पौष्टिकता से भरी हुई और न्यूट्रिशन से भरी हुई, एंटी ऑक्सीडेंट से भरी हुई बहुत ही पौष्टिक फल होता है ये। और ये खास तौर पे सर्दियों में उगाया जाता है, और नवंबर के बाद फरवरी तक की जितनी सर्दी होगी, 25 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर इसको बहुत पसंद है, और बहुत ही अच्छी इसमें मौसम में ग्रो होती है। तो ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये सैपलिंग हैं, और सैपलिंग मैं लेकर आया था नर्सरी से बाई करके, और मैंने 10 प्लांट बाई किए थे, 15 रुपये ईच का मुझे ये प्लांट पड़ा था। और काफ़ी हेल्दी प्लांट हैं, आप देख भी रहे होंगे, और इनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। आज मैं इनको पॉट में ट्रांसप्लांट करूँगा, तो उसी के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। और आगे इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आपने मिट्टी को तैयार करना है और किस तरह से इसको लगाना है। तो आइए देखते हैं। और ये देखिए, ये मैंने मिट्टी को अच्छी तरह से धूप में सुखाया हुआ है, ये देखिए, क्योंकि ये जो पौधा है इसको ज़्यादा मॉइस्चर पसंद नहीं है, इसको हल्का सा सूखा रहनी चाहिए मिट्टी, इसको ज़्यादा पसंद है। क्योंकि अगर मॉइस्चर ज़्यादा बना रहता है मिट्टी में तो इसकी जो जड़ें हैं वो गल जाती हैं, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी कोमल जड़ें होती हैं, और थोड़ी नमी इनमें कम चाहिए होती है। तो मैंने ये नॉर्मल मिट्टी ली है गार्डन की, और साथ में लिया है गाय के गोबर की खाद, 4:1 का रेशियो लिया है, यानी कि 4 भाग मैंने मिट्टी मिलाने हैं और 1 भाग मैंने गोबर की खाद मिलानी है। अब इसमें खाद और मिट्टी हो गई, उसके बाद एक चीज़ और मैं बताता हूँ। अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा हार्ड है, ज़्यादा ठोस है, तो चूँकि इसकी जो जड़ें होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, और सॉफ्ट जड़ों को ज़्यादा हार्ड मिट्टी पसंद नहीं होती, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए, ये राइस हस्क है, अपनी मिट्टी में आप ये 1 भाग ऐड कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो मिट्टी है वो बिल्कुल हल्की हो जाएगी, और जो जड़ें हैं उसमें काफ़ी अच्छी तरह से फैलेंगी, और जो पौधे की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी चलेगी। तो ये राइस हस्क आप डाल सकते हैं अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा ठोस है। तो मेरी मिट्टी हल्की सी मुझे लग रहा है कि ठोस है, तो मैं भी इसमें थोड़ा सा 1 भाग मिलाऊंगा, और साथ ही 2 चीज़ें और मिलानी है। इस पौधे में जो फंगस है उसका खतरा थोड़ा ज़्यादा बना रहता है, तो फंगस के लिए हम 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो जो बोनमील होता है, जो नीम की खली होती है वो आप ऐड कर सकते हैं। उसमें क्या है कि नीम की खली में नीम का एक तो ऑयल रहता है, एक्सट्रैक्ट रहता है, वो फंगस का काम करता है। दूसरी चीज़, आप फंगस का पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ताकि जो जड़ें हैं उनको फंगस ना लगे। तो ये भी मैं ऐड करूंगा इसमें, और साथ ही थोड़ा सा इसमें बोन मील भी मिलाऊंगा, क्योंकि बोन मील जो होता है वो काफ़ी अच्छी जड़ों को मजबूती देता है, और पौधे में जो है वो जान बनी रहती है, और फ्रूटिंग और फ्लावरिंग अच्छी होती है। तो ये मिट्टी को हम मिक्स कर लेते हैं। रेशियो मैंने बता दिया है, 4 मिट्टी लेना है, 1 खाद लेना है, और 1 मैं इसका जो अपना राइस हस्क है उसका ले रहा हूँ, और साथ में मैंने लगभग 5-6 मुट्ठी के आसपास इसमें डाल दिया है नीम की खली, और 3-4 मुट्ठी के आसपास मैं इसमें ऑर्गेनिक जो बोन मील होता है वो डालूँगा, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं।
तो इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जितनी हमारी मिट्टी है, खाद है, वो पूरी मिक्स हो जाएगी इसमें। तो जो जितने भी हमने इसमें बोन मील है और नीम खली है वो मिलाया है, अच्छी तरह से मिक्स होकर ये मिट्टी जो है हमारी वो तैयार हो जाएगी। मिट्टी हमारी मिक्स हो गई है। अब मैं आपको बात कर लेता हूँ पोर्ट कैसा लेना है हमने। तो मैंने इसमें दो तरह के पोर्ट लिए हैं। एक पोर्ट तो मैंने लिया है, ये देखिए, ये 9 इंची का पोर्ट है और ये मिट्टी का पोर्ट है। मिट्टी का पोर्ट सबसे बेस्ट रहता है स्ट्रॉबेरी ग्रो करने के लिए। तो मैं दो तरह से लगाऊंगा, एक तो जो मिट्टी के पोर्ट हैं उसमें लगाऊंगा, दूसरा मैंने एक प्लास्टिक का पोर्ट लिया है। ये इसकी जो गहराई है वो ज़्यादा नहीं है, 7-8 इंच गहराई है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो पोर्ट लेना है उसकी गहराई बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें अगर थोड़ी सी भी नमी बनी और इसमें फंगस लग जाएगी और आपका जो पेड़ है वो बेकार हो जाएगा। तो दो तरह से हमने पोर्ट लिए हैं। पहले मैं इनमें मिट्टी फिल कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों सारे जो हमारे गमले थे, पॉट्स थे, वो हमने फिल कर लिए मिट्टी से। और उसके बाद जो पौधे लगाएंगे हम, जो हमारा 8 इंची का गमला है, ये 8 या 10 इंची का गमला है, इसमें एक एक पौधा लगाएंगे हम। और जो मैंने ये प्लास्टिक की ट्रे ली है, एक ट्रे में मैं 3 पेड़ लगाऊंगा। तो चूंकि ये थोड़ी लंबाई में अच्छी है तो 3 पेड़ इसमें आराम से चल जाएंगे। अब सारे कुछ करने के बाद जो मेन बात आती है, वो मेन ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमने पौधे को लगाना कैसे है। सबसे पहले तो आपका जो अगर पन्नी में है इस तरह से, तो आपको पन्नी से आपको आसानी से बाहर निकाल लेना है इस तरह से आपने बाहर निकाल लेना है। और बस सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली बात है वो इसको मिट्टी के अंदर कितना डालना है वो है। ये आप इसकी देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो इसका यहाँ से दिख रहा है आपको स्टेम, इस स्टेम से नीचे मिट्टी आपको रखनी है, यहाँ तक मिट्टी आपने रखनी है। यहाँ तक मिट्टी अगर आप डाल दोगे तो आपका पौधा डेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इसकी नई नई शाखाएँ निकलेंगी और इसमें ग्रोथ आएगी। तो इसको यहाँ तक मिट्टी में आपने लगाना है। तो इस तरह से आपने इतना इसको मिट्टी में अंदर रख देना है और चारों तरफ से आपको हल्के से प्रेस इसको कर देना है। बस मेन जो बात है वो यही है ध्यान रखने वाली। दूसरा, आपका जो पोर्ट है उसमें ऊपर 1.5 से 1 इंच की जगह होनी चाहिए, उससे ज़्यादा जगह नहीं होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा जगह आपके पोर्ट में होगी तो जो आप पानी देंगे वो ज़्यादा रुकेगा और पानी भी ज़्यादा आएगा, तो इससे आपका जो पौधा है उसमें गलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो बाकी इस तरह से करके हम सारे पौधे लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों मैं एक बात आपको बतानी भूल गया कि जो ये स्ट्रॉबेरी है इसको हम कई तरह से ग्रो कर सकते हैं। एक तो जो सीड्स होते हैं उससे भी हम इसको ग्रो कर सकते हैं, दूसरा जो इसकी जड़ होती हैं उनको आप नेक्स्ट सीजन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब आपकी जो पौधे हैं वो फ्रूटिंग से मतलब हट जाएंगे, फ्रूटिंग पूरी हो जाएगी फरवरी मार्च में, वैसे तो अप्रैल तक फ्रूटिंग होती है, लेकिन जब आपकी फ्रूटिंग बंद हो जाए तो आप इसकी जो जड़ें हैं उनको भी स्टोर करके रख सकते हैं और उनसे भी नेक्स्ट सीजन के लिए नए पौधे आप तैयार कर सकते हैं। तो ये एक और जानकारी थी। बाकी इसमें सबसे जो ध्यान रखने वाली बात है वो है पानी की। स्ट्रॉबेरी को पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, बहुत ही हल्का पानी चाहिए होता है। और जब बिल्कुल ड्राई हो जाए इसकी मिट्टी बहुत अच्छे से, तभी आप इसमें वाटरिंग करें। ज़्यादा वाटरिंग से, ओवर वाटरिंग से जो है इसकी जो रूट्स हैं वो गलने लगती है। तो ये मेन बातें हैं कुछ, और आगे चल के ये तो अभी स्टार्टिंग है, आगे चल के हम इसकी अपडेट भी आपको टाइम से देंगे, क्या क्या फर्टिलाइज़र की इसमें मात्रा कितनी रखनी है और क्या देना है। जब इन पर लगभग एक महीने के आसपास के बाद इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए तैयार होगा, तो तब इसमें हम अलग तरह से इसको न्यूट्रिशन भी देंगे और खाद भी बताएंगे कि कौन सी इनको देनी है। फिलहाल तो इनमें हमने जो अभी गोबर की खाद है और बोन मील वगैरह है,
इनसे इसकी ग्रोथ अब शुरू हो जाएगी, और जब इन पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आएगी तब एक अलग से अपडेट की वीडियो आएगी। तो आप इसको पूरी सीरीज को देखते रहिए और अपने कमेंट जो हैं वो हमें ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसा लगा है, वीडियो पसंद आया है, नहीं पसंद आया है इसमें, और क्या कमी रह गई है जो हम आगे दूर करने की कोशिश करेंगे। तो एक प्लांट और रह गया है बस जो हमने लगाना है। मेन बात थी वो ये थी कि जो जहाँ से ये इसकी ये स्टेम है, मिट्टी यहीं तक ही आपने रखनी है। इससे ज़्यादा ऊपर मिट्टी डालोगे तो आपकी जो सैपलिंग है वो ख़राब हो जाएगी, और जो इसकी नई नई ग्रोथ इसमें निकलने वाली होंगी वो नहीं निकल पाएंगी, तो आपका एक तरह से डेड भी हो सकता है पौधा। तो ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। बाकी इतनी मेहनत करने के बाद आपको इसका जो फल है वो काफ़ी मीठा होने वाला है, और जो स्ट्रॉबेरी है वो वैसे भी बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती है। इसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, और कई तरह से आपको पौष्टिकता में अच्छी रहती है। इसके जो गुण हैं वो बहुत ही उत्तम हैं, तो आप उगा सकते हैं इसको, अपने टेरेस पर भी उगा सकते हैं। बाकी कुछ लोग खेती भी करते हैं, काफ़ी मुनाफे वाली खेती होती है इसकी, तो वो भी कर सकते हैं। बाकी हमारे सारे पौधे अब लगकर लगभग तैयार हो गए हैं, अब वाटरिंग की बारी है, तो अब इसमें वाटरिंग करते हैं और दिखाते हैं आप। इस तरह से दोस्तों हमारे जो सारे पौधे हैं वो लगकर तैयार हो गए हैं, और वाटरिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी है हमने, बहुत ही मिनिमम वाटरिंग इन पर दी जाती है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और अगली जो वाटरिंग है वो केवल उतनी रहेगी जितनी इनको ज़रूरत है, मतलब बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं देनी है। जब ये पानी पूरा सूख जाएगा और जो मिट्टी है आपके गमले की वो पूरी हल्की हो जाएगी, पूरी सूख जाएगी, तब आपने इसमें वाटरिंग करनी है। तो अभी का ये वीडियो इतना ही है, आगे फिर इसकी अपडेट पर हम एक नई वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकर आएंगे। तब तक आप चैनल पर बने रहें और वीडियो लगातार आती रहेंगी। चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम ये सब कर पाते हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है हमें, आपके कमेंट्स आते हैं। तो इसके साथ साथ ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत नमस्कार।